गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू माई व्लॉग्स गाइज़। आप लोग सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और गाइज़ ये है, मैं आज हलवा का रेसिपी लेके आई हूँ। ये मैंने हलवा भून चुका हूँ। ये है सिमोलिना, है सूजी, सूजी का हलवा, रावा का हलवा। तो मैंने इसको ब्राउन भून लिया और भून भून के मैंने इसमें गरम पानी डाल दी, प्लेन गरम पानी। और उसके बाद गरम पानी डालने के बाद जब थोड़ा गाढ़ा हो जाती है, पका पका के थोड़ा गाढ़ा हो जाती है, तो उसमें मैं शुगर ऐड करती हूँ। शुगर ऐड करने के बाद, शुगर आप जितना मीठा ले सकते हैं उतना मेजरमेंट करके ले सकते हैं। और उसके बाद मैं पकाने के बाद इसमें फूड कलर डाल दी थी। तो मेरे बेटा को हलवा बहुत पसंद है, तो मैं उसके लिए बना रहे थे। आज ट्यूसडे भी था तो मैंने सोचा आज हलवा बना देता हूँ उसके लिए। तो गाइस, किस किस को हलवा पसंद है कमेंट में बताना, और मेरे हलवा बनाने का तरीका कैसे लगा आप लोग को। ये इजी वे बनाया, और मेरा बेटा को उनको पसंद नहीं है ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो मैं इसमें कुछ नहीं डाली हूँ। मैं अब सिर्फ प्लेन बनाया है, प्लेन हलवा बनाया है, और हलवा सिस्टम का बनाया है। तो उनको ड्राई फ्रूट वगैरह पसंद नहीं है, तो मैंने इसलिए ड्राई फ्रूट नहीं डाली हूँ, प्लेन बनाया है। और मैं ये हलवे वाली बनाते हैं ना बाहर, उनकी स्टाइल से मैं बना रही थी। तो देखो, इसके बाद मैं फूड कलर डाल दिया था, तो माय गॉड, एकदम हलवाई वाला जैसा। उनका 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 हलवा कितना देखने के लिए यामी होती है, कलरफुल होती है, ऑरेंज कलर करके, तो कितना ब्यूटीफुल लगते हैं खाने के लिए भी। तो मैं वैसे ही बनाया था, बस मैं ड्राई फ्रूट नहीं डाली थी उसमें, बाकी ए टू जेड उनकी तरह ही बनाई थी। तो गाइस, आप लोग भी हलवाई सिस्टम तो आप सबको पता है, लेकिन ये मेरे बनाने के तरीका था। आप लोग भी मेरे बनाया हुआ तरीका का अगर पसंद आया तो आप लोग भी ये अपनाइएगा और मुझे बताना इजी था या नहीं था बनाने की तरीका। ये मैं इजी वे बनाया था, तो इजी है ये, बहुत इजी था। तो मैक्सिमम मुझे ये ज़्यादा देर नहीं लगा, वही 20-25 मिनट लगा इसको, क्योंकि भुनने के लिए भी 5 मिनट तो लगता ही है। तो वही 10-20-25 मिनट में ये हलवा बन के तैयार हो गया था। तो गाइस, आप लोग भी वैसे बना के खाना, बहुत इजी इजी तरीक़ा से बनाया मैंने। सो थैंक यू सो मच, एंड बाय बाय, एंड हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू। और देखो आगे तक।